दोस्तों, मैं मिथुन और आप देख रहे हैं चैनल टेक मिथुन। मेरे टेक मिथुन चैनल की तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स को हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक अच्छा तरीका दिखाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाला है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ईमेल है और गूगल अकाउंट में जो जो सब इंफॉर्मेशन होता है, तो उसको थर्ड पार्टी ऐप्स एक्सेस करते हैं, जिसके ज़रिए वो थर्ड पार्टी ऐप्स हमारी हमारी पास चॉइस इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना एड्स देते हैं। वो थर्ड पार्टी ऐप्स हमारी अकाउंट को एक्सेस करता है। तो हम जानते हैं कि गूगल में हमारा जो ईमेल अकाउंट होता है, उस गूगल खुद का एक सिक्योरिटी लेवल है, उसके ज़रिए हमारे हमारे उस अकाउंट को सिक्योर करता है। और तब भी गूगल ऐसा भी करता है कि कभी कभी गूगल अभी भी किसी सॉफ्टवेयर को हमारी जो अकाउंट है उसको स्कैन करने का परमिशन देता है, जिसके ज़रिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं गूगल में, उसके ज़रिए वो थर्ड पार्टी ऐप्स हमारी अकाउंट में अपना एक्सेस चलाता रहता है। और उसके ज़रिए उस थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से हमारा कुछ ऐड भी आते हैं। तो उस मेरा मतलब है कि वो थर्ड पार्टी ऐप्स हमारा अकाउंट को होल्ड करता है, उसको देखते हैं और हमारी चॉइस के मुताबिक अपना काम करते रहते हैं। तो उस मैं एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स जो कि अपने मोबाइल पर आपने कभी भी अलाउ कर दिया है एक्सेस, उस थर्ड पार्टी ऐप्स को एक्सेस अलाउ कर दिया है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस थर्ड पार्टी ऐप्स को एक्सेस करने से रोकते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहना, और अगर मेरे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। और जो सब्सक्राइब करने के बाद राइट में जो बेल आइकन आएगा उसको क्लिक कर देना, क्योंकि आने वाले जब भी नए वीडियो अपने चैनल में मैं डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास वो आ जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाने के बाद आपको वो जो इंटरफेस ऐसा एक आएगा, उसमें माई गूगल अकाउंट होता है, उसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर इस बार एक इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एक इंटरफेस ऐसा आएगा, ये देखिए, थर्ड पार्टी ऐप्स विद अकाउंट एक्सेस। इसमें देखिए हमारा ये जो ऐप्स को मैंने एक्सेस दे रखा है उसको मैं देख लेता हूँ। ये मैनेज थर्ड पार्टी ऐप्स ऊपर क्लिक करना होगा। तो देखिए, मैंने ये सब ऐप्स है, ये देखिए, एप्टॉइड लॉगिन, चैनल प्रोमोटर, क्लियर टैक्स, ड्यू रिकॉर्डर, काइंड मास्टर, लिंक्डइन, पावर डायरेक्टर, वीडियो ऐप्स, वीडियो मेकर, कोरा, तो सैमसंग ईमेल, ये जो ऐप्स है इसको मैंने एक्सेस दे रखा है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस ऐप्स को एक्सेस से निकल दे, तो आप कैसे करेंगे देखिए। पहले मैं ये एप्टॉइड लॉगिन वाला जो गूगल कॉन्टैक्ट से संगे ये ऐप मेरा एक्सेस है, इसके लिए मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो इस एप्टॉइड लॉगिन में क्लिक करना होगा। और यहाँ पर ऐसा एक इंटरफेस आएगा, तो ये रिमूव एक्सेस है, वो रिमूव एक्सेस में क्लिक करना होगा। तो रिमूव एक्सेस ये ओके कर देना होगा, बस हो गया। तो थर्ड पार्टी ऐप्स मेरा गूगल अकाउंट को और एक्सेस नहीं कर सकता इसके ज़रिए। तो ये ऐसे के लिए मैं ये देखिए, ये जो लिंक्डइन है इसको भी मैं रिमूव एक्सेस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इसके ज़रिए हम इतना ये जो कोड़ा है रिमूव एक्सेस कर देता हूँ, तो हट जाएगा ये। अब ये करने से ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स है वो कभी हमारे गूगल कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। गूगल में मेरा जो हमारा जो ईमेल अकाउंट होता है ना, उसको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, तो ऐसे आप जिस थर्ड पार्टी ऐप्स को चाहो तो उसको अपने गूगल से एक्सेस करने से रोक सकते हो।
तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का वीडियो, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ज़रूर कुछ कमेंट करना, ऐसा कमेंट करना जो कि मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए खूब अच्छा ला सकूँ। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए यही यही था। थैंक यू।